नमस्कार मित्रों देसी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस साइंस का चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है वहां पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पिछले वीडियो में यहां तक हुआ था सम सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टोटली पोटेंट दैट इज इफ इफ प्रोवाइडेड अ प्रॉपर एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो फ्रॉम दीज सेल्स देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ सेल्स

प्रॉपर्टी ये, ये विशेषता जब पता चली कुछ सेल्स की तब क्या किया जाने लगा उनका यूज करवाने के लिए देखा जाने लगा अलग अलग आ, उन पर बायोकेमिकल प्रोसेसेस करवा के आ, उनकी मदद से ज्यादा उत्पादन देने वाले क्रॉप्स बनाना शुरू कर दिया गया नए नए स्पीशीज हाइब्रिड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स भी प्रोड्यूस करना शुरू करवाया गया और कई बार क्या होता है पहले वैक्सीन बनाने के लिए एनिमल्स की बॉडी में से उनको मार के वगैरह बनाते थे या फिर हॉर्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए जैसे इंसुलिन हार्मोन होता है उसको प्राप्त करने के लिए घोड़े के बॉडी से प्राप्त करते थे और वो डायबिटिक्स को देते थे लेकिन अभी जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस टेक्निक की मदद से जो है हॉर्मोन्स हो आर्टिफिशियली या वैक्सीन वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं दिस लेड टू द राइज ऑफ अ न्यू ब्रांच इन बायोलॉजी कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी इस फील्ड को क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स बियरिंग सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडिशन टू देयर नेचुरल वंस बायोटेक्नोलॉजी ये जो विज्ञान है उसकी मदद से इस टेक्निक की मदद से क्या किया जा सकता है प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके नेचुरल प्राकृतिक विशेषताएं तो वैसे ही रहेंगी उसके अलावा कुछ नई विशेषताएं उनमें ऐड करवाई जा सकती हैं द टेक्निक्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स आर टूगेदर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी ये है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा एक तो आर्टिफिशियली जींस में उसके बदलाव किया जाता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है दो अलग अलग वैराइटीज जो होती है एनिमल की उन्हें उनके बीच में क्रॉस करवा के एक नए हाइब्रिड प्रजाति बनवाई जाती है ठीक है तो उसका फायदा ह्यूमन बींग्स के लिए करवाने के लिए यह सब किया जाता है इट इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कल्चर इसमें मुख्यतः क्या आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है और टिश्यू कल्चर आता है टिश्यू कल्चर क्या है आगे आने वाला है और जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अगर कोई जीन जो है डिफेक्टिव है तो उसको निकाल के उसको ठीक करना या फिर उसको निकाल के रिप्लेस करना ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है जिसके कारण वो बीमारी क्योर हो सके आ, जो हेरिडेटरी होती है प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंप्रूवमेंट इन वराइटीज ऑफ कैश क्रॉप इंक्रीज इन एबिलिटीज ऑफ प्लांट्स टू विदैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस वैक्सीन प्रोडक्शन अर्ली डायग्नोजिस ऑफ कंजीनाइटल डिसीजेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैंसर रिसर्च प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन कार्टिलेज एटसेट्रा इन लेबोरेटरीज इसका यूज टिश्यूकल का वगैरह कहां पर किया जाता है एक तो जेनेटिक uh, इंजीनियरिंग का यूज करके बेहतर क्वालिटी के कैश क्रॉप्स बनाए जाते हैं कैश क्रॉप्स कौन से हैं? जैसे कॉटन हो गया या फिर शुगर uh, केन हो गया या फिर टोबैको हो गया इन क्रॉप्स का यील्ड उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए भी ये यूज किया जाता है फिर uh, दूसरे कहाँ पर यूज किया जाता है uh, कई बार प्लांट्स जो है वो उनको सुटेबल एनवायरमेंट नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो गेहूं जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ट्रेडिशनली जाता था पंजाब हरियाणा स्टेट में लेकिन अभी क्योंकि वहां ठंड लगती है ठंडे वातावरण में गेहूं अच्छा प्रोड्यूस होता है तो लेकिन आज हमारे यहां भी गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है क्यों क्योंकि उनको मॉडिफाई करवाया गया है ताकि वो हॉट एनवायरनमेंट में भी जी सके और बेहतर प्रोडक्शन कर सके ऐसे ही होते बहुत बहुत से प्लांट्स जो होते हैं वो कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन देने वाले बनाए जाते हैं ठीक है थीके? ऐसे बहुत सी विशेषताएं वाले प्लांट्स बनवाए जाते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए जो भी बीमारियां होती है उनका वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए फिर Uh, जो कंजिनाइटल डिसीजेज होते हैं कंजिनाइटल यानी जो बाय बर्थ होते हैं जन्म जन्मतः जो बीमारियां होती है तो ऐसी बीमारियों को मोस्टली वो हेरिडिटरी होती है ऐसी बीमारियों को अर्ली स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता किया जा सकता है इनकी मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करवाया जाता है इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी किडनी अगर किसी की खराब हुई है तो क्या होता है कि वो कई बार किडनी डोनेट करवानी पड़ती है किसी व्यक्ति को और उसके बाद वो उसे आ, उसमें इम्प्लांटेशन किया जाता है लेकिन अभी ये प्रयास कर रहे हैं साइंटिस्ट कि टिश्यू कल्चर की मदद से आर्टिफिशियल किडनी ग्रो करवा के लैब में वो इम्प्लांट की जा सके फिर कैंसर रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है इस टेक्निक का और आर्टिफिशियल स्किन भी बनाई जाती है अगर जो भी बर्न uh, बर्न्स burn, वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल स्किन बनवाई जाती है कार्टिलेज uh, बनवाया जाता है इन लेबोरेटरीज टिश्यू कल्चर सपोज यू वॉन्ट टू ग्रो अ गार्डन लाइक द वन शोन इन द पिक्चर अराउंड यूर होम और स्कूल वॉट वुड यू डू टू अचीव दैट बाई विच मेथड्स विल यू कल्टिवेट सीडलिंग्स देखिए अलग अलग मेथड्स होती है आपको तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी बॉटनिस्ट के पास जाना पड़ेगा बॉटनिस्ट यानी जो प्लांट की स्टडी करने वाला होता है उसके पास या फिर जो नर्सरी का मालिक होता है कोई उसके पास जाना पड़ेगा उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी उससे बीज लेने पड़ेंगे उनको सुटेबल वातावरण में उनको ग्रो करना पड़ेगा उनको केयर करनी पड़ेगी फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे और पानी डालना पड़ेगा ये सब करवा के वो आप ऐसे कल्टिवेट कर सकते हैं ठीक है यू मस्ट हैराइटी बट ऑफ टू थ्री कलर्स डिफरेंट कलर्स बॉर्न बाय सेम प्लांट हाउ इज दिस पॉसिबल देखिए आपने कई बार देखा भी होगा या नहीं भी देखा होगा एक ही प्लांट के ऊपर एक ही प्लांट के ऊपर अगर रोज का प्लांट है एक ही प्लांट है तो उसके ऊपर एक ब्रांच पर पिंक कलर का रोज है दूसरे ब्रांच पर येलो कलर का रोज है ऐसे एक ही प्लांट के अलग अलग ब्रांचेस पर दो तीन अलग अलग कलर्स के फ्लावर आ रहे हैं। तो ये कैसे होता है लेटेस्ट लर्न अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक रिलेटेड टू फार्मिंग एंड गार्डनिंग ये बाय जो है टिश्यू कल्चर हो या बायोटेक्नोलॉजी इसकी मदद से ये प्राप्त किया जाता है देखिए टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स ऑफ बनाना एंड फार्मिंग विद दे, हेल्प ये बनाना के छोटे छोटे प्लांटलेट्स है छोटे छोटे आ, जो ग्रो करवाए गए हैं और फिर वो जमीन में लगवाकर उसके बड़े प्लांट्स बनवा कर उसका प्रोडक्शन करवाया जाता है एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन एन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर ये है टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन एक्स विवो यानी क्या होता है एक्स विवो यानी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर अगर आ, उस सेल्स को ग्रो करवाया जा रहा है नॉर्मली क्या होता है अगर कोई प्लांट है तो उसके बॉडी के अंदर ही होगे ना सेल्स की ग्रोथ या सेल डिवीजन जो भी है वो उसके बॉडी के अंदर ही होगी लेकिन उन dividing cells को उस बॉडी से बाहर निकालकर लैब में आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जा रहे हैं उन सेल्स को या टिश्यूज को तो उसे उसे कहा जाता है एक्स बी वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म याद रखिए आप लिख सकते हैं बुक पर इन एन असेप्टिक एंड न्यूट्रेन रिच मीडिय बनाया जाता है उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जो बेसिक आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिनरल्स वगैरह और असेप्टिक यानी स्टरलाइज वातावरण में यानी उसमें दूसरा कोई भी Uh, क्या कहते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक आने नहीं देते कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं होने देते पूरा वो स्टरलाइज किया जाता है ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो जो ग्रो कर रहे हैं टिश्यू सेल्स उनको इन्फेक्शन ना हो और वो मर ना जाए बीच में ही इसके कारण उसे असेप्टिक यानी सेप्टिक ना होने वाले यानी दूसरे माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन ना हो सके स्टरलाइज वातावरण ड इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर नाव इज कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल और फ्रॉम टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक आज के दिनों में टिश्यू कल्चर की टेक्निक यूज करके पूर कुछ एक सिंगल सेल निकालकर प्लांट बॉडी से उस सेल की मदद से पूरा एक नया प्लांट बॉडी बनाई जा सकती है ठीक है लिक्विड सॉलिड और जेल लाइक मेडियम प्रिपेर फ्रॉम अगार विच सप्लाइज न्यूट्रीएंट्स एंड एनर्जी नेसेसरी फॉर टिश्यूकल्चर इज यूज इन धिस टेक्निक देखिए अगार जेल नाम का एक पदार्थ होता है उसमें वो एक तो जेल जेल लाइक होता है जेली लाइक सेमी सॉलिड या कई बार सॉलिड पदार्थ भी यूज किए जाते हैं या लिक्विड भी यूज किए जाते हैं वो प्लांट जैसा है उसके अनुसार और बाकी न्यूट्रियट्स उसे सप्लाई करके नेसेसरी एनर्जी यानी सनलाइट वगैरह देकर उस टिश्यू को कल्चर किया जाता है यानी उसको ग्रो करवाया जाता है लैबोरेटरी में देखिए इन वेबसाइट्स पर जाकर आप टिश्यू कल्चर के ऊपर प्रेजेंटेशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं देखिए कैसे होता है सोर्स प्लांट एक प्लांट की बॉडी है जो मूल सोर्स है सेल्स का उसकी मदद मतलब से बल्ब कॉम ऑफ सोर्स प्लांट यानी उसका जो बल्ब होता है रूट आ, कंद कंदा जो कंद होते हैं यानी रूट्स जो होते हैं बल्ब बल्ब जैसे होते हैं ना रूट्स जैसे अड़ुअन जो अरवी होती है उसके जो रूट्स होते हैं बल्ब शेप के तो उनकी मदद मतलब से पूरा प्लांट ग्रो करता है ना उसे अगर आप रूट्स को निकालोगे और लगा दोगे तो उससे पूरी नए प्लांट ग्रो करेगा तो ऐसे कुछ पार्ट्स से निकाल कर उनको सेल्स को निकालकर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऐसे लेबोरेटरी में ग्रो करवाया जाता है रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है उन सेल्स का टिश्यूज ग्रो करते हैं फिर उनको और ज्यादा शूटिंग और रूटिंग यानी उनको शूट्स डेवलप होते हैं शूट्स यानी जो स्टेम वगैरह है लीव्स वगैरह है वो डेवलप होते हैं उनसे और रूटिंग यानी रूट्स डेवलप होते हैं ठीक है थीके? धीरे धीरे प्लांट बॉडी यहाँ पर तो सेल होती है उनसे धीरे धीरे टिश्यूज डेवलप होते हैं धीरे धीरे वो डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं स्टेम uh, में लीव्स में रूट्स में फिर उसके बाद उनको प्राइमरी हार्डनिंग यानी छोटे छोटे हाउस uh, uh, में uh, ग्रो किया जाता है और उनको फिर सेकेंडरी हार्डनिंग फिर जो पॉट्स में ग्रो किया जाता है मिट्टी में और बाद में उनसे पूरा बड़े जमीन पर वो लगाए जाते हैं ठीक है थीके? उससे पूरा प्लांट ग्रो करता है ऐसे एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ड 1904 टू 1993 वाज अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था बॉटनिस्ट यानी प्लांट साइंटिस्ट ही हैड शोन दैट सेल्स एंड टिश्यूज कैन बी Grown एक्स विवो उसने ये दिखा दिया प्रूव करके दिखा दिया कि जो सेल्स होते हैं और टिश्यूज जो होते हैं उन्हें उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी ग्रो करवाया जा सकता है आर्टिफिशियल लैब में एक्स विवो टू प्रूव धिस ही आइसोलेटेड द सेल्स फ्रॉम कैरेट रूट एंड कल्चर क्या किया कैरट क्या? क्या? जो होता है गाजर उसका रूट निकाला और उसको न्यूट्रिय वाले मीडियम में उसे ग्रो करवाया आपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करवाया होगा जो कैरेट हम कट करते हैं और ऊपर का जो होता है वो अगर डिश में रख देते हैं थोड़ा पानी वगैरह डालते हैं तो उससे प्लांट ग्रो करता है वैसे उसने बेसिक एक्सपेरिमेंट किया ऑल्सो प्रूव दैट ईच सेल हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट उसने ये भी प्रूव किया कि हर एक प्लांट के हर एक सेल से और नया प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करवाने की कैपेसिटी होती है उसमें ठीक है चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू तो बायोटेक्नोलॉजी अभी इसका परिणाम खेती पर एग्रीकल्चर में क्या हुआ वो देखते हैं

जीएम या जीई नॉर्मली सच वराइटीज आर नॉट फाउंड इन नेचर ऐसे वरायटी नॉर्मल स्थिति में वो नेचर में नहीं पाए जाते तो उन्हें आर्टिफिशियली विशेषता डाली जाती है और उन्हें ग्रो करवाया जाता है दस न्यू वराइटीज आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली डिफरेंट यूज कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच वराइटीज इनमें कई सारे काम की बातें डाली जाती है जैसे करेले आपने, आपने, आपने अपने माता पिता से सुना होगा कि पहले जो उनके समय उनके बचपन में जो करेले आते थे वो बहुत कड़वे होते थे लेकिन आज के करेला जो होता है वो इतना कड़वा नहीं होता क्योंकि वो मॉडिफाई करवाया गया है उसका कड़वापन कम करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशंस करवाए गए हैं फिर एबिलिटी टू विद स्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस सम नेचुरली ऑकरिंग वराइटीज कैन नॉट विद स्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसिस टेम्परेचर वेट एंड ड्राई फेमीस चेंजिंग क्लाइमेट एट्सट्रा देखिए हमारे यहाँ हमारे देश में क्लाइमेट जो है बहुत अनसर्टन uh, है यानी अनप्रिडिक्टेबल है हम अंदाजा नहीं लगा सकते इतने आसानी से कभी भी बारिश आ जाती है कभी भी uh, यानी अवकाड़ी पाउस ज्याला जहां जब हमें बारिश की आवश्यकता नहीं होती तब बारिश आ जाती है जब आवश्यकता होती है तो नहीं आती तो उसके कारण जो क्रॉप्स होते हैं उस उनका काफी नुकसान होता है कई बार एडवर्स टेम्परेचर हो आ, फिर आ, या तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रही तो उसके अनुसार एडजस्ट होने वाले क्रॉप्स बनवाए जाते हैं हाउएवर जीएम क्रॉप्स कैन ग्रो इन एनी ऑफ सच एडवर्स कंडीशन। जीएम क्रॉप्स जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में ग्रो करवाए जा सकते हैं एज़ जीएम क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट पैथोजंस केमिकल वीडिसाइज एटसेट्रा द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स कैन बी अवॉइडेड इन इनका इनको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि इनको अगर कोई पेस्ट खाता है यानी कोई कीड़ा वगैरह खाता है तो वो कीड़ा मर जाता है या फिर उसको आ, उसको टेस्ट बुरी आती है उसके कारण वो खाता ही नहीं है या फिर बकरिया वगैरह खाती है कई बार तो उ, उनको टेस्ट अच्छी नहीं लगे ऐसे उसमें कुछ केमिकल्स uh, प्रोड्यूस करवाने के लिए जीन्स बनवा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो बकरियां खाती नहीं इसके कारण नुकसान होने से बचता है फिर पैथोजें यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने से बचने वाले भी बनाए जाते हैं ताकि बीमारियों से वो प्लांट्स क्रॉप्स का नुकसान ना हो या फिर केमिकल विडिसाइड पेस्टिसाइड्स जो होते हैं यानी पेस्टिसाइड्स जो होते हैं कीटकनाशक उनको uh, उनका यूज किए बिना हम उनको पेस्ट से बचा सकते हैं इंसेक्ट से ड्यू टू यूज ऑफ सीड्स ऑफ जीएम देर इज इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड्रीज इन लॉस ऑफ क्रॉप्स जीएम्स के सीड्स के यूज के कारण क्या होता है उनकी न्यूट्रिटिव उन, वैल्यू उनमें जो विटामिन होते हैं उनमें जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग जो uh, होते हैं उनकी अमाउंट भी बढ़ाई जा सकती है बेहतर क्वालिटी और uh, जो लॉस ऑफ क्रॉप्स है नुकसान जो है चाहे वो बीमारियों से हो uh, प्लांट्स की बीमारियों से या फिर यानी इंसेक्ट्स से हो या फिर आ, क्या कहते हैं एडवर्स क्लाइमेट के कारण हो तो ये नुकसान कम किया जा सकता है। इन दिस वे एज सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स आर बींग प्रोड्यूस फार्मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कल्टीवेटिंग द जी क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल तो इसका क्या है बेहतर उत्पादन मिल रहा है इसके कारण पूरे विश्व भर के जो किसान हैं वो जीएम क्रॉप्स को प्रेफर करने लगे हैं और वो क्रॉप्स बड़ी मात्रा में ग्रो करने लगे हैं द एरिया अंडर इट्स कल्टिवेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे धीरे धीरे जीएम क्रॉप्स का को प्लांट करवाने का जो उनका यील्ड है वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है हाई येराइटीज ऑफ जीएम क्रॉप लाइक बनाना मेज राइस पोटैटो सोयाबीन टोमेटो, कॉटन एप्पल ब्रिंजल पपाया, बीट रोज टोबैको, वीट एटसेट्रा आर अवेलेबल ज्यादा उत्पादन देने वाले ये प्लांट्स ज्यादा फल आने वाले अ ये प्लांट्स बनाना हो या मेज यानी मक्का जो होता है राइस पोटैटो सोयाबीन टोमैटो कॉटन एप्पल ये सभी ब्रिंजल यानी वांगजाला पपई बीट रोज ये ज्यादा फल देने वाले ज्यादा फूल देने वाले रोज प्लांट्स ये सब प्रोड्यूस करवाने लगते हैं उसके अलावा हमारे यहाँ तो आ, इतना मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता लेकिन अमेरिका में वगैरह अगर आप देखेंगे आपके कोई रिलेटिव होंगे अमेरिका में तो आप उनको पूछ सकते हैं तो वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं हमारे यहाँ पोटैटो जो होता है वो एक मुठ्ठी भर के साइज का होता है लेकिन उनके यहाँ अमेरिका में या यूरोप में जो होता है पोटैटो अकेला पोटैटो डेढ़ दो किलो का होता है इतना बड़ा होता है या फिर अगर आप आ, ओनियन भी लोगे कांदा वो भी एक पूरा बड़ा मोटा सा ओनियन होता है और वो ही दो किलो का एक डेढ़ किलो का होता है अकेला जापान में भी वैसा ही है तो ये जेनेटिकली जेनिटिकल, मौ, मॉडिफाई करने के कारण उनकी साइज भी बढ़ जाती है तो ऐसा है अगर आप फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा यानी हमारे यहाँ जो ये होता है ना भो जाला भोपाल भो ज्याला जितके हे कांदे आणि बटाटे पेस्ट रेजिस्टंट हैव बीन इंट्रोड्यूस इन सम ऑफ समीज जीएम क्रॉप्स फॉर एग्जांपल पेस्ट रेजिस्टंट जीन्स यानी कीड़ों को अटैक से रोकने वाले जींस भी उनमें डाले जाते हैं ठीक है एग्जाम्पल है मेज़, मेज़ का कौन सा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फिर ये है। पोटैटो का है एम फ्लोरा राइस का है गोल्डन राइस इसमें ज्यादा क्या कहते हैं उसे हीमोग्लोबिन होता है आयन होता है ज्यादा ठीक है फिर आ, हीमोग्लोबिन तो हमारे बॉडी में होता है लेकिन आयन ज्यादा होता है सोयाबीन जो होता है टोमेटो, वैशाली टोमेटो, आपने नाम सुना होगा बहुत से आ, लोगों से लोगों इवन सब्जी वाले को भी पता होता है वैशाली टोमेटो फिर कॉटन का बीटी कॉटन ये भी आ, अगर आपके किसान है कोई पहचान के उनको पता होगा बीटी कॉटन से जो है उनके ऊपर वो आ, कीड़े नहीं पड़ते वो नहीं कीड़ों से रेजिस्टेंट होते हैं वो ठीक है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीएम वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इन योर एरिया एंड मेक अ नोट ऑफ देम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी ऑल्सो फाइंड आउट इफ देर आर एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स ऑन ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरमेंट देखिए इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट बुरे परिणाम भी होते हैं बहुत देशों में बहुत से देशों में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि उसके कुछ बुरे परिणाम भी देखे गए हैं जैसे कुछ व्यक्तियों में इसकी एलर्जी होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स खाने से या फिर कुछ टॉक्सिक भी होते हैं uh, जहरीले भी बन जाते हैं Uh, या फिर बहुत से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं यानी उनके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसके कारण बहुत से देशों में जीएम क्रॉप्स uh, पर पाबंदी लगाई गई है तो uh, ऐसे कुछ इसके साइड uh, इफेक्ट्स भी है ठीक है इन दिस वे ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन होना चाहिए एंड अ कंट्री लाइक इंडिया विथ अशन विदेस इन प्रोड्यूसिंग ऑल तो ऐसे ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा हम टिश्यूकल्चर के द्वारा आ, हमारे जैसे देश में जिसकी पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इन सभी लोगों को उनका पेट भरने के लिए पूरे यानि अमाउंट में ठीक ठाक अमाउंट में फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं एस्टेब्लिश योर ओन प्लांट नर्सरी नियर योअर स्कूल और होम प्रिपेयर द सीडलिंग्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फ्रूट प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट बींग ग्रोन इन योर एरिया कैन यू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी थिंक और इट तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है प्लांट्स में अगर आपको फल uh, फल वाले प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स जो शोभा देने वाले प्लांट्स होते हैं सुशोभित करने वाले अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है रुचि है आपको तो आप इसमें करियर कर सकते हैं आप नर्सरी बना सकते हैं अपनी और उसमें बहुत फायदा है ठीक है तो आउट ऑफ ट्रैक भी ये थोड़ा आ, करियर हो जाएगा ठीक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की जो खेती होती है जैसे रोज आ, के गार्डन्स होते हैं उन फ्लावर्स के गार्डन्स होते हैं उनको नर्सरीज यानी पर प्लांट्स बेचे जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स आ, फिर फॉरेस्ट्री यानी जंगलों को बढ़ाने के लिए ठीक है नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक ग्रोइंग गार्डन्स ऑन अ लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन रिफॉरस्टेशन एटसेट्रा नर्सरीज बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि वहां पर छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप करवाए जाते हैं सीड्स से वगैरह और उनको बाद में प्लांट करवाया जाता है जहां पर लगाने हैं वहां पर गार्डन्स बनवा डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे देश में या कहीं पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कारण वगैरह तो उनको पूरा फॉरेस्ट को रिस्टोर करना उन वहां पर प्लांट्स की संख्या बढ़ाना इसके लिए नर्सरीज बहुत मददगार होती हैं सीडलिंग्स नंबर्स फॉर ऑल दीज पर्पजेस तो इसके लिए सीडलिंग्स लगेंगे छोटे सीड्स जो होते हैं उनको ग्रो करके छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको सीडलिंग्स इट इज प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस प्लांट लाइट विद द हेल्प ऑफ कल्चर टेक्निक्स तो देखिये इस अगर ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स की आवश्यकता है तो उनको ग्रो करवाने में बहुत समय चला जाएगा कई बार इतना समय नहीं होता Uh, उनको पूरा सीड बीज बो कर उनको ग्रो करवा के बाद में उन्हें लगाना वगैरह ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है तो इसके कारण क्या करवाते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से उन्हें आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है और वो तेजी से ग्रो करते हैं उसके कारण तो टाइम भी बच जाता है कल्चर कैन बी यूज टू ग्रो दो प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल विच बियर फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी जिस प्रजाति के uh, जो प्लांट्स है जिनका बहुत अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स हो या उनके फ्लावर्स की संख्या बहुत अच्छी है उनका कलर बहुत अट्रैक्टिव है ऐसे प्लांट्स की संख्या बहुत बढ़ाई जाती है ग्रो करवाए जाते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से लैब में फुली ग्रोन प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन शॉर्टर ड्यूरेशन कम समय में बहुत तेजी से ग्रोथ करवाई जा सकती है प्लांट्स की उसके कारण टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है ठीक है प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इवन इफ मींस ऑफ पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल कई बार क्या होता है मींस ऑफ पॉलिनेशन पोलिनेट करवाने के लिए यानी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल uh, जो गैमेट्स जीन में होते हैं पोलन ग्रेन्स वो फीमेल सिग्मा तक पहुंचाने के लिए कई बार इंसेक्ट्स की मदद लगती है या विंड की मदद हवा की मदद लगती है बहुत से तरीके होते हैं तो वो कई बार अवेलेबल नहीं होते तो उसके कारण प्रोडक्शन कम हो सकता है तो उसका कोई परिणाम किए बिना पॉलिनेशन के लिए किसी की मदद नहीं है या फिर सीड्स को जर्मिनेट करवाना उनको पूरा ग्रो करवाना इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है तो आ, फास्ट तेजी से ग्रो करवाया जा सकता है विदाउट एनी आ, किसी की मदद ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स और पीचर प्लांट्स डू नॉट जर्मिनेट बट डीज प्लांट्स कैन इजिलोड बाई मीन ऑफ टिश्यूकल ऑर्किड वगैरह एक फ्लावरिंग प्लांट है pitcher, ये, ये जर्मिनेट नहीं होते क्योंकि उनके कई बार सीड्स ही नहीं होते तो इसके कारण उन्हें आर्टिफिशियली टिश्यूकलर की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है इन अ बायोरिएक्टर सेल्स कैन बी ग्रोन इन अ मोर न्यूट्रीटिव मीडियम एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैथोजन उन्हें सेल्स को ग्रो करवाया जाता है बायोरिएक्टर देखिए यहाँ पर दिखाया है मैं बताता हूँ उन्हें एक न्यूट्रिटिव मीडियम में न्यूट्रिशंस वगैरह डाले जाते हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है प्रॉपर एयर का कंटेंट्स दिए जाते हैं जो आवश्यक होते हैं उनको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट दी जाती है और उनको पैथोजन से जो इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी बचाया जा उनसे भी बचाया जाता है बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बहुत बड़ी संख्या में जो सैपलिंग्स जिन्हें कहते हैं प्लांटलेट्स छोटे छोटे प्लांट्स जिन्हें बाद में निकाल कर जमीन में लगाए जाते हैं रोपटे जला मतलब वो आ, यूज बायोरिएक्टर्स यूज करके काफी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं देखिए बायोरिएक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांटलेट्स देखिए यहाँ पर बायो रिएक्टर में कुछ टिश्यू कल्चर की मदद मतलब से डेवलप किया जा रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे हैं ना ये तो ये प्लांटलेट्स ग्रो किए हैं देखिए ये रूट्स हैं, ये छोटे एक दो लीव्स हैं और उनको फ्लावर्स भी आ चुके हैं इतने यंग स्टेज में तो ये डायरेक्ट जमीन में लगवाकर फिर ये ग्रो करवाए जाते हैं इतने यंग स्टेज में इनको फ्लावर्स आ रहे हैं तो वो, वो पूरे ग्रो करते भी समय भी बहुत फ्लावर्स देंगे ठीक है तो ऐसे लाभ होता है लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस एंड मटेरियल्स बहुत बड़ी संख्या में प्लांटलेट्स छोटे छोटे प्लांट्स बनाए जाते हैं कम आ, कम समय में और कम कम से कम रिसोर्सेस में खर्चा भी ज्यादा नहीं आता ना फर्टिलाइजर्स की ज्यादा आवश्यकता है ना बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है जहाँ पर पानी की कमी है या फर्टिलाइजर्स की कमी है पेस्टिसाइड नहीं आ, देने पड़ते कोई भी आवश्यक नहीं है कम रिसोर्सेस लगते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स प्रोड्यूस बाय कल्चर एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर जो प्लांट्स होते हैं वो उनको बीमारियां नहीं होती कई बार जनरली uh, क्या होता है बीमारियां यंग स्टेज में ही आती है तो वो स्टेज ओवरकम करने के बाद uh, फिर उनको वो रेजिलियट हो जाते हैं बीमारी से प्लांट लेट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर ऑफ मेरिस्टेम आर वायरस फ्री जो भी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज uh, मदद से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट्स वो उनमें कोई भी वायरस नहीं इन्फेक्ट कर पाता उनमें बिल्कुल वायरस नहीं होता क्योंकि नए नए प्रोड्यूस हुए होते हैं ना ये मेरेस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो नए नए, नए प्रोड्यूस हुए होते हैं उनको इन्फेक्शन होने से पहले ही हम ग्रो करवा लेते हैं एम्ब्रियस फॉर्म बाय कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बिटवीन टू और मोर वेराइटीज मे नॉट ग्रो फुल्ली फॉर सम रीजन हाउ एवर एम्ब्रियस प्रोड्यूस बाय टिश्यूज टेक्निक ऑलवेज देयर ग्रोथ कई बार क्या होता है दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में क्रॉसिंग करवा के अगर हम हाइब्रिड प्रजाति बनवाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली uh, नहीं होता यानी एक uh, एक ब्रीड की एक प्रजाति की मेल है और दूसरे प्रजाति का फीमेल है तो उनके बीच में क्रॉसिंग करवा के उनके बीच में ब्रीडिंग करवा के अगर आप उनका मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट करवा के धीरे धीरे एम्ब्रियो बनवा कर वो ग्रो करवाने के प्रयास कर रहे हैं तो वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि वो एम्ब्रियो बीच में ही मर जाता है तो लेकिन जो एम्ब्रियो हम कल्चर से प्रोड्यूस करते हैं वो पूरी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं उनकी रेयर एंड एंडेंजर प्लांट कैन बी ग्रोन बाय टिश्यूकल्चर टेक्निक एंड कैन दस बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन बहुत जो एक्सटिंक्ट होने को आए है प्लांट विलुप्त होने को आया है जिनकी प्रजाति पूरी नष्ट होने को आई है उनको एडवर्स क्लाइमेट हो चुका है पोल्यूशन बढ़ चुका है तो कई सारी प्राणियों के एनिमल्स की और प्लांट्स की भी प्रजातियां पूरी विलुप्त हो रही है वो पूरी नष्ट हो रही है उनकी संख्या पॉपुलेशन पूरी नष्ट हो रही है अर्थ पर पूरे अर्थ uh, से तो ऐसे इंडेन्जर्ड जो uh, खतरनाक संकट में जो प्लांट्स है उनको टिश्यू कल्चर की मदद से उनकी उनको ग्रो करवाया जा सकता है और उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाया जा सकता है विलुप्त होने से नष्ट होने से बचाया जा सकता है सिमिलरली वेरियस पार्ट्स एंड सीड्स ऑफ सच प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व बाय टिश्यू कल्चर एंड दो वैराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड तो इनके ऐसे टिश्यू कल्चर की मदद से अलग अलग पार्ट्स पार्ट प्रिजर्व कर रखे जा सकते हैं संरक्षित रखे जा सकते हैं सीड्स को बनाकर वो संरक्षित रखे जा सकते हैं उससे वो प्रजाति बच सकती है दीज आर द यूजेस ऑफ टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ प्लांट्स नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी द यूज ऑफ दिस टेक्निक इन मेडिकल फील्ड एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स तो ये कुछ आ, फायदे है प्लांट्स के बारे में हमने इस वर्ष में सीखा है अगले वर्ष आप जो है एनिमल्स के बारे में आ, सीखने वाले हैं टिश्यू कल्चर या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का एनिमल्स को एनिमल्स की या मेडिकल फील्ड में मानवों के लिए क्या यूज हो सकता है वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट ईयर ठीक है वी चौधरी इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट नर्सरी बिजनेस प्लांट नर्सरी बिजनेस का यूज uh, करके कौन से बाकी uh, बिजनेसेस शुरू किए जा सकते हैं uh, ये पूछा है तो देखिए प्लांट नर्सरी के साथ आप क्या बिजनेसेस कर सकते हैं इसका आंसर है आप आ, हर्बल गार्डन डेवलप कर सकते हैं यानी हर्बल गार्डन यानी क्या आयुर्वेद में जो प्लांट्स लगते हैं उनको ग्रो करके आप उसके उससे पैसे कमा सकते हैं ऐसा भी फायदा हो सकता है ठीक है फिर मेडिकल टूरिज्म भी कर सकते हैं यानी कई सारी औषधियां बनाने के लिए इवन एलोपैथी में या होम्योपैथी में भी कई सारी औषधियां बनाने के लिए प्लांट्स की आवश्यकता होती है उनसे बनाए जाते हैं फिर फॉरेस्टेशन करने के लिए यानी फॉरेस्ट में प्लांट्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी आ, यूज किया जा सकता है नर्सरी बिजनेस का ठीक है और आ, बहुत से लोगों की मदद से जो आ, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, खुद के घरों में गार्डन्स डेवलप करने के लिए वगैरह उनको आप सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे आ, प्लांट्स दे सकते हैं ठीक है तो ये सारे बिजनेसेस कर सकते हैं नर्सरी बिजनेस टू विच प्लेसेस डू पीपल चूज टू गो ऑन वैकेशन इन ऑर्डर टू रिलैक्स वेन दे आर टायर्ड ऑफ क्राउड्स एंड अ स्ट्रेसफुल लाइफ कहाँ पर जाना पसंद करते हैं तो देखिए वो जहां पर प्राकृतिक वातावरण हो नैसर्गिक सुंदरता हो जहां पर शांति हो बहुत आ, सुंदर सुंदर आ, फ्लावर्स हो ग्रीनरी हो ऐसे वातावरण में जाना कोई भी पसंद करता है जब क्राउड और बड़े बड़े शहरों में जो लोग होते हैं गांव बहुत पोल्यूशन होता है गर्दी होती है वहां से विलेशनशिप बिटवीन द टू क्वेश्चन अबो इन दो प्रश्नों के बीच में क्या नाता है क्या रिश्ता है देखिए नेचुरली अगर लोगों को ग्रीनरी पसंद आती है लोगों को सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखना पसंद आता है घने जंगलों में बहुत सारे प्लांट्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है पोल्यूशन फ्री वातावरण में तो ऐसा वातावरण बनाने के लिए नर्सरीज बनानी पड़ेगी ना क्योंकि प्लांट्स वगैरह तो वहीं पर बनेंगे मोस्टली तो इनके मदद से नर्सरीज की मदद से ऐसा वातावरण बनवा कर इवन नर्सरीज में भी कई सारे टूरिस्ट आते हैं ठीक है थीके? तो ऐसा आप कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मित्रों आपका दिन शुभ जाए